कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब जनता के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए क्या करने जा रही है, ये मैं आज आपको बताने आया हूं। सरकारी नौकरियां जैसे हमारी सरकार बनेगी, ये नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। आपको एक महीना को कांग्रेस पार्टी एक साल में 1,00,000 रुपए बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। लोकसभा के चुनावी रण में अब फायर ब्रांड नेताओं की एंट्री शहडोल में भी लगातार हो रही है। बीते पखवाड़े में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के बाद सोमवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आम जनसभा को संबोधित करने शहडोल पहुंचे। जिले बाणगंगा मेला मैदान में लगभग एक घंटे की आम सभा में राहुल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आम सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र किया। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और लगातार बढ़ रही महंगाई पर भाजपा को घेरा। वहीं सरकार बनने पर जातिगत जनगणना, आर्थिक सर्वे, महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब परिवार की महिलाओं के खाते में 1,00,000 रुपए देने के साथ ही अग्निवीर योजना को बंद करने की भी बात कही। रोजगार की दिशा में ऑपरेंटिस का अधिकार, जिसमें 1 साल की ट्रेनिंग के साथ साथ 1,00,000 रुपए देने की भी बात कही। वहीं राहुल गांधी ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने की बात कही। राहुल गांधी ने किसानों को भी हक दिलाने की बात कही, साथ ही ST SC स्कॉलरशिप को 2 गुना करने की भी बात कही। राहुल गांधी ने एक तरफ जहां सीधी पेशाब कांड को बताते हुए आदिवासी पर हो रहे अत्याचार किए जाने की बात कही, वहीं प्राइवेट सेक्टर में हर वर्ग को नियमित रोजगार के साथ 30,00,000 शासकीय रिक्त पदों पर भरने की बात कही। आपको बता दें कि शहडोल लोकसभा क्षेत्र में आने वाले कुल 8 विधानसभाओं में 7 पर भाजपा का कब्जा है, वहीं महज 1 सीट पर कांग्रेस सिमट कर रह गई है। इस सीट से भाजपा ने जहां मौजूदा सांसद हिनात्री सिंह को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने लोकसभा क्षेत्र के पुष्पराजगढ़ विधानसभा से एकमात्र विजयी विधायक फुंदेलाल सिंह मार्के को मैदान में उतारा है। ये नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। आपको एक शब्द होता है अप्रेंटिसशिप, अंग्रेजी शब्द होता है, इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं। जो अमीर घर के बच्चे होते हैं, जो अमीर घर के बच्चे होते हैं, रोजगार पाने से पहले वो किसी बड़ी कंपनी में या सरकार में जाके अप्रेंटिसशिप करते हैं। भैया ठहर जाइए, इसका मतलब वो किसी बड़ी कंपनी में जाके 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ट्रेनिंग करते हैं, काम करते हैं और इसके लिए उनको पैसा मिलता है। आजकल हिंदुस्तान में अमीर लोगों के बेटे ये करते हैं। अब हमने मैनिफेस्टो में निर्णय लिया, जैसे हमने मनरेगा किया, गरीबों को रोजगार का अधिकार दिया, वैसे ही हम हिंदुस्तान के सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में 1 महीना को कांग्रेस पार्टी 1 साल में 1,00,000 रुपए बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। टोटल 1,00,000 रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में जाएगा, महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा।
इससे हिंदुस्तान का और हमारे गरीब परिवारों का इस जिंदगी बदल जाएगी। क्रांतिकारी काम है। आप सोचो एक परिवार है, गरीब परिवार मध्य प्रदेश में, मजदूरी करते हैं, 3-4 हजार रुपए की उनकी आमदनी है। हमारी सरकार आने के एकदम बाद उस परिवार को बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा, मतलब परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। और ये हम हर गरीब परिवार के लिए करने जा रहे हैं। उन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया, हम करोड़ों लोगों की, करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदलने जा रहे हैं। एक के बाद एक गायब हो गया। जब तक गायब हो गया था तो फिर वो आपसे कहेंगे आप वनवासी हो, जंगल तो बचाए नहीं, तो चलिए आप जाके सड़कों पे भीख मांगे, दूसरे लोगों के लिए काम कीजिए और आपको इस देश में कोई हक नहीं मिलेगा। तो यह लड़ाई होगी हमारे लिए। आप आदिवासी हो, हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, और यह आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है। वनवासी शब्द जो है आपकी हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश वाला शब्द है। आपके इतिहास को, आपकी भाषाएं को, आपके जीने के तरीके को खत्म करने का शब्द है। सीधी बात कहेंगे आपको कि भैया आप तो जंगल में रहते हो, आपको अधिकार कैसे मिलेंगे? जंगल में किसी को अधिकार थोड़ी मिलते। तो ये फर्क अब चुनाव का समय है। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब जनता के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए क्या करने जा रही है, ये मैं आज आपको बताने आया। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। आम आदमी से आप कहो कि भैया 16 लाख रुपए कितना होगा तो आपको बता नहीं पाए। शहडोल से हमारे रिपोर्टर जुगल किशोर मिश्रा की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।